नमस्कार दोस्तों, मैं शिरीष तिवारी ऑनलाइन अपडेट स्किल्स में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। नाउ दोस्तों, आज मैं टैली में आप लोगों को एक कॉस्ट सेंटर के बारे में ऑप्शंस बताने वाला हूँ। बेसिकली व्हाट इज़ ए कॉस्ट सेंटर, हाउ टू यूज़ कॉस्ट सेंटर्स, प्रैक्टिकली हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं कॉस्ट सेंटर को, दिस इज़ क्वाइट गुड क्वेश्चंस। कॉस्ट सेंटर इज़ नथिंग बट योर डिवीजन ऑफ योर अमाउंट्स। अमाउंट्स को अगर हम ब्रेकअप करते हैं एंड देन फाइनली हम कॉस्ट सेंटर वाइज उसका डिटेल्स भी सर्च करना चाहते हैं। इट्स इन शॉर्ट यू कैन से दैट कि इट्स अ काइंड ऑफ ए MIS थ्रू विच वी कैन एक्सेस द रिकॉर्ड अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो टैली में कॉस्ट सेंटर में जाने के पहले दोस्तों, अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो आप मुझे मेरे दिए हुए ईमेल ID पे मेल कर सकते हैं और अदरवाइज मुझे कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, लेट्स बिगिन विद द टैली कॉस्ट सेंटर्स। नाउ सबसे पहले मैंने यहाँ पे कॉस्ट सेंटर्स कुछ एक्सेल में डेटा प्रिपेयर करके रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल, सैलरी पेड फॉर द फॉलोइंग स्टाफ, मिस्टर काले, मिस्टर गोले एंड मिस्टर पील। दीज थ्री स्टाफ्स आर देयर जिनको हमें सैलरी देनी है। अब इसे यूज़ करने के लिए आई कैन नॉट से दैट डायरेक्टली कि सैलरी पेड टू काले। नाउ बेसिकली हम टैली में लेजर्स किसका बनाते हैं? एक्सपेंसेस हमारे क्या हैं? सैलरी अकाउंट्स। आई कैन नॉट से दैट काले, गोरे एंड पीले, तो हमें क्या बनानी होती है दोस्तों? सैलरी अकाउंट्स। सिमिलर एग्जांपल्स के लिए मैंने और एक लिया है यहाँ पे, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पेड टू द फॉलोइंग्स, न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो, हैंडबिल्स। अब मैं ये नहीं लिख सकता हूँ कि पेड अमाउंट टू न्यूज़पेपर, हम क्या लिखते हैं? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट या सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, जैसे भी आप देना चाहते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द टैली। सबसे पहले मैं इनके लेजर्स क्रिएट करता हूँ। सो लेजर्स क्रिएट करने के लिए अकाउंट्स इन्फो लेजर एंड क्रिएट, हाँ आई जस्ट प्रेस्ड ALC, दैट इज़ अ शॉर्टकट वे टू क्रिएट योर लेजर्स। सो सबसे पहले लेजर हमने बना दिया सैलरी अकाउंट, सो दैट इज माई एक्सपेंसेस मैं ऐड कर देता हूँ, करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है हमें एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नाउ आई हैव अ टू अकाउंट, सैलरी एंड एडवर्टाइजमेंट। अब मेरे पास यहाँ पे एक अल्टरेशन कर लेता हूँ, आई हैव अ कैश बट आई डोंट हैव एनी अमाउंट। मैं यहाँ पे आ गया है, कैश यहाँ पे अमाउंट ऐड कर दिया 50,000। नाउ अकाउंट्स इज क्रिएटेड, विल गो टू द कॉस्ट सेंटर ऑप्शंस। अगर मैं डायरेक्टली देना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे चले गया और मैं जाता हूँ F5 पेमेंट ऑप्शन में। यहाँ पे सिंगल एंट्री मोड्स आप एक्टिवेट कर सकते हैं, डबल एंट्री मोड बाय प्रेसिंग F12, यहाँ से आप एक्टिवेट कर दीजिएगा, सिंगल एंट्री मोड नो। अब देखिए डेबिट एंड क्रेडिट का पैटर्न आ गया। क्या देनी है? सैलरी, आई सेट सैलरी अकाउंट डेबिट। कितनी देनी है? 7,000, आई जस्ट पुट 7,000। और यहाँ पे क्रेडिट कर देता हूँ मैं कैश। बट वॉट अबाउट दीज मिस्टर काले, गोरे एंड पीले? आई कैन नॉट फाइंड दीज डेटास विदाउट यूजिंग अ कॉस्ट सेंटर, सो दैट मीन दिस इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ योर कॉस्ट सेंटर। चलिए अब इसे कैसे ट्राई करते हैं। सबसे पहले कॉस्ट सेंटर को एक्टिवेट करने के लिए हम जाएंगे F11, F1। व्हाट आर दीज F11 एंड F1? F11 मींस जहाँ से हम ये ऑप्शन एक्टिवेट करते हैं। अगर आप शॉर्टकट्स नहीं फैमिलियर हैं तो आप यहाँ पे देखिएगा, आपके इसमें स्क्रीन्स पे राइट हैंड साइड पे टैली के सारे शॉर्टकट्स आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे, इसमें से मैं यूज़ कर रहा हूँ फीचर्स, दैट इज़ F11। उसमें से मैं जाना चाहता हूँ अकाउंट्स, दैट इज़ F1। F2 means inventory, F3 and taxations। मैं चला गया accounting में। accounting में जाने के बाद यहाँ से हम option activate कर देते हैं जिसका नाम है maintain cost center, yes। और फिर यहाँ से हमने एक और option activate किया, maintain more than one cost category, इसे भी yes कर देते हैं। तो दो option दोस्तों मैंने activate कर दिया है, control A to that is save and close। चलिए अब देखते हैं इस option को maintain कैसे करेंगे। अकाउंट इन्फो में जाइएगा, यहाँ से कैटेगरी बना लेता हूँ। कैटेगरी का मतलब ये हो गया, जैसे मुझे सैलरी देनी है तो आई वुड प्रिफर टू क्रिएट अ कैटेगरी कॉल्ड एज सैलरी, और सैलरी के अंडर में मैं ये बंदों के नाम बताऊँगा, मिस्टर काले, गोरे एंड पीले। सिमिलर वे एडवर्टाइजमेंट के अंडर में ये नाम बताऊँगा। ओके, लेट्स बिगिन विद द टैली। यहाँ पे आ गए, कैटेगरी में जाने के बाद मैं यहाँ पे चला गया। कैटेगरी में सबसे पहले मैंने यहाँ पे बता दिया सैलरी अकाउंट। आप चाहें तो डिफरेंट नेम भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप रेवेन्यू के लिए यूज़ करते हैं यस, नॉन रेवेन्यू में भी यूज़ कर रहे हैं तो यस, डिपेंड्स आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ये सेकेंड ऑप्शन हमने ले लिया एडवर्टाइजमेंट अकाउंट,
इसे भी सेम वे यूज़ कर लो आप. सो देर आर टू कैटेगरीज. ओके, अब इन कैटेगरीज के अंडर में मैं कॉस्ट सेंटर को अलोकेट कर देता हूँ. क्रिएट, सबसे पहले मैंने अलोकेट किया सैलरी में मुझे किसकी रिक्वायरमेंट है, तो सैलरी इज मिस्टर काले. नेक्स्ट ऑप्शन आई हैव मिस्टर गोरे. नेक्स्ट ऑप्शन आई हैव मिस्टर पीले. सिमिलर वे आई हैव अनदर कैटेगरी इज कॉल्ड एज अ, लेट्स गो टू द न्यू कैटेगरी दैट इज नोन एज योर एडवर्टाइजमेंट. सो आई जस्ट चेंज टू एडवर्टाइजमेंट. एडवर्टाइजमेंट फर्स्ट ऑप्शन आई जस्ट टुक इट न्यूज पेपर. सेकेंड ऑप्शन आई जस्ट टुक इट एज ए हैंडबिल. थर्ड ऑप्शन आई टुक इट एज ए टी वी एड. एंड फोर्थ ऑप्शन रेडियो एड. ओके, चलिए अब देखते हैं हम. देखिए वापस से एक बार रिवाइज करा देता हूँ. F11 एंड F1 में गए और यहाँ से हमने एक्टिवेट कर दिया कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी. आफ्टर दैट वी वेंट टू दिस कॉल्ड एज अकाउंट इन्फो. देन कैटेगरीज, वी हैव अ टू कैटेगरीज दैट इज एडवर्टाइजमेंट एंड सैलरी. देन वी वेंट टू दिस कॉस्ट सेंटर्स एंड देन वी हैव क्रिएटेड द कॉस्ट सेंटर अंडर द कैटेगरी कॉल्ड एज एडवर्टाइजमेंट. दैट इज एडवर्टाइजमेंट के अंडर में देखिए हमारे पास क्या क्या है. हैंडबिल्स है, न्यूज़पेपर है, रेडियो है एंड टीवी एड. सिमिलर वे सैलरी में क्या है, मिस्टर काले, गोरे एंड पीले. अब चलते हैं इसकी एंट्रीज के पास. अकाउंटिंग वाउचर में चले गए. F5 दैट इज़ योर पेमेंट. हम देना चाहते हैं सैलरी अकाउंट. ओके, हाउ मच योर टोटल सैलरी, आई हैव कैलकुलेटेड ऑलरेडी इन एक्सेल, दैट इज 7000. एंटर. अब देखिए ये आपसे पूछ रहा है, तो मैंने यहाँ पे स्पेस बार दे दिया. आई वुड लाइक टू गो टू द सैलरी सेक्शन बिकॉज इट्स अ सैलरी. सो डेफिनेटली आई नीड टू गो टू द सैलरी सेक्शन. When I put the salary, in that salary, now it is asking, this is for specific to whom? So I said, this is for Mr. Kale. How much amount to be paid? I can refer to Excel 3500. Okay, then go for the next option. Then after the Kale, next option is Gore. The amount to be 2500, I just paid. Third option is your Pile. Automatically comes 1000. Okay. How do you paid this? For example, I paid by cash. Now you can put your narrations being salary paid to following staff by cash. So this is my first entry which I have done it on 1st April. Similar way we'll go for the another options, that is advertisement account. Advertisement mein humne kya liya dosto? Advertisement expenses. Okay, so let's go for your advertisement expenses. The total amount is 8000. डिविजन ट्राई कर लेते हैं. एडवर्टाइजमेंट में क्या है हमारे पास, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट. एडवर्टाइजमेंट के अंडर में हमारे पास क्या है, सबसे पहले मैं ले लेता हूँ यहाँ पे हैंडबिल्स. आप किसी भी ऑप्शंस को प्रिफर्ड कर सकते हैं, नॉट नेसेसरी 1000 रुपीज. तो आई जस्ट पुट एज ए 1000 रुपीज. नेक्स्ट ऑप्शन हमने लिया है यहाँ पे रेडियो, दैट इज 3000 रुपीज. ओके, नेक्स्ट ऑप्शन इज टी वी एड 1500. सो लेट्स गो फॉर द टी वी एड 1500. एंड द रिमेनिंग एंड द लास्ट ऑप्शन इज newspaper which is automatically calculated by tally itself. Now again I am paying this amount by cash. Now you can put the narration being advertisement expenses paid by cash. Okay, now अगर सेम एंट्रीज मुझे मई महीने में ट्राई करनी होगी, तो अगेन यू कैन गो बैक टू योर F5, चेंज योर डेट F2 एंड जस्ट पुट इट एज अ नेक्स्ट मंथ. ओके, लेट्स गो टू द सेम ऑप्शन सैलरी अकाउंट. इन दिस मंथ वी हैव रेज द सैलरी एज 15000. ओके, ऑटोमेटिकली योर सैलरी गोज टू मिस्टर काले फॉर एग्जाम्पल 5000. नेक्स्ट ऑप्शन इज मिस्टर गोरे 3000 एंड द रिमेनिंग आई गेव टू मिस्टर पीले. ओके, सिमिलर वे बाई कैश. ओके, रिपीट द नरेशन बाई प्रेसिंग कंट्रोल आर. कंट्रोल आर इज अ शॉर्टकट वे टू रिपीट योर नरेशंस. देन यू नीड टू चेंज सर्टन थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल सैलरी एक्सपेंसिस, तो आई कैन पुट सैलरी एक्सपेंसिस बाई कैश. ओके, नाउ लेट्स गो फॉर द अनदर ऑप्शन दैट इज एडवर्टाइजमेंट. फॉर एग्जाम्पल आई पेड 45000. ओके, देन ओनली हैंडबिल्स 25000. I did in this only two advertisement, that is handbills and I did a newspaper ad. Okay, rest of the things we have avoided as being there may be not proper response, you can say that. Okay, control R for repeating your narrations. Okay,
Now you have to do little bit changes also. Okay. Advertisement account. Okay. Now अब अगर आप देखना चाहते हैं कि मैंने अप्रैल मंथ में कितने एक्सपेंसेस किए, मई मंथ में कितने किए, तो लेट्स गो फॉर दिस. देखने के लिए हम लोग चलते हैं डिस्प्ले. देर इज़ ऑप्शन कॉल्ड एज अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, देन वी वेंट टू कॉस्ट सेंटर, देन वी वेंट टू कैटेगरी वाइज. ओ नाउ दिस इज़ अ ग्रेट ऑप्शंस. अंडर द एडवर्टाइजमेंट हाउ मच एक्सपेंसेस यू डिड, यू कैन फाइंड इट आउट. अंडर द सैलरी एक्सपेंसेस यू कैन फाइंड इट आउट. इफ़ यू वॉन्ट ओनली वन पर्टिकुलर कैटेगरी, यू कैन गो फॉर कैटेगरी ऑल्सो. यू कैन गो टू योर कॉस्ट सेंटर वाइज ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल यू सेड आई वुड लाइक टू प्रिफर सी द हैंडबिल्स एक्सपेंसेस. So total 26,000, just press the enter button, again press the enter button, you will get entire details of your advertisement. So this is the way through which you can find entire details of your cost center and cost category. There may be another scenario also. For example, there is a predefined situations. I just went to the another sheet. There is a predefined situation. What does it mean, like predefined? For example, so now whatever the salary I am paying to Kale, Gore and Pile, this is not represented in terms of amount. This is represented in terms of your percentage. So how you can do that? For example, advertisement expenses also, it is given in terms of a percentage. So ab to dosto hame percentage mein calculate karna hai. Chaliye try kar lete hain. It is very easy. Just have a look, within 2 minutes mein aapka salary as well as advertisement calculate ho jayegi. Chaliye kaise try kar lete hain. Again go to your F11, F1, that is accounts, and then accounting features, and then we went to the options called as predefined. I repeat, the option is predefined. Dosto yahan pe dekhiyega, aapko predefined likha hua milega. Okay, now don't press control A, you have to do certain changes. Ab hum salary ka bana rahe hain to main iska naam de deta hu salary. It's a name of a class. It's a name of a class. I just put a salary. Okay, salary expenses is up to you. आप कोई नाम और भी दे सकते हैं, but I would like to give the same name. Salary expenses. Salary में कौन आता है? Already we have a category called as salary. Now salary denotes to whom? Mr. Kale, Gore and Pile. Now specify the percentage, 50 and 36. That is a 50. Then Mr. Gore, 36, and remaining goes to Pile, 14. Do you want anything others to be added into this? No. मुझे सैलरी में और ऐड नहीं करना. अगर आप सैलरी में एक्सपेंसेस भी ऐड करना चाहते हैं, दैट ऑल्सो कैन बी डन, बट इट्स अ यूजलेस. तो मैं यहाँ पे इसे बोलता हूँ एंड ऑफ लिस्ट. अब मैं एक एडवर्टाइजमेंट के लिए भी बनाना चाहता हूँ, तो वी जस्ट पुट ऐड एक्सपेंसेस. करेक्ट. ऐड में क्या है दोस्तों हमारे पास? यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट है. एडवर्टाइजमेंट में क्या है? हैंडबिल्स. हैंडबिल्स के कितने परसेंटेज हैं? लेट्स हैव अ लुक. 13%. Then we have a radio, 33%. Then we have a newspaper, let me see this, 31%. Okay, then we have a TV. Automatically both are calculated. I just press enter button, enter, then control A to save and close. Now ek bar aur entry kar lete hain. Accounting vouchers, F5. Now change your month. Ab maine month kar diya 1-6. Dekhi, entry karne ke pehle ek nayi cheez aa gayi hai jiska naam hai cost center और क्लासेस. सो क्लास का नाम मुझे यहाँ पे लेना होगा. आई रिपीट, क्लास का नाम हमें यहाँ पे लेना होगा, दैट इज़ प्रीडिफाइंड. तो प्रीडिफाइंड में जाने के बाद सबसे पहले मैं ले लेता हूँ, मैंने क्लास का नाम बनाया था सैलरी एक्सपेंसेस, दैट गोज़ टू द सैलरी. फॉर एग्जांपल 30,000 वी पेड बाय कैश. इंस्टेड ऑफ 30 आई जस्ट पुट एज ए 3,000 और 1,000 रुपीज़. आई हैव अ नेगेटिव ऑफ कैश, आई नीड टू इंक्रीज द कैश. ओके, clear, I will do it but later on. Okay, narration as you have understood, so we will not write this because it takes long time. Okay. I did the salary. Second options went to the another options called as a advertisement expenses. That is advertisement. I put 5,000 rupees as advertisement expenses cash. Now mind me a question aa gaya ki humne to kar diya entries but unke bifurcations mujhe nahi dikhai diye. That's a great question. Bifurcation कैसे दिखाई देंगे? So you have a keyboard and just press the page up button. Oh, automatically देखिए 5,000 का bifurcation आ गया. Again press the page up button. Salary के भी bifurcation आ गए. Yes, when we use a predefined, so we can't see
द बाइफर्गेशन ऑफ योर वाउचर्स. टू सी द बाइफर्गेशन आइदर यू हैव टू गो बैक टू योर डिस्प्ले एंड देर इज ऑप्शन कॉल्ड एज डे बुक. नाउ फ्रॉम हियर यू कैन मेक इट आउट. आप इसके बाइफर्गेशन देख सकते हैं. नाउ अगेन ये भी आपके अगर एंटायर डिटेल्स में देखना चाहते हैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स कॉस्ट कैटेगरी वाइज चले जाइए आप. देखिए पूरा डिटेल्स यहाँ पे एडेड है. एडवर्टाइजमेंट में कितने एक्सपेंसेस हो गए एंड सैलरी में कितने एक्सपेंसेस हो गए. सो दोस्तों आज मैंने अपनी क्लास में इस अपडेट स्किल्स में आप लोगों के कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी एंड प्री डिफाइंड स्किल्स अपडेट किए हैं. अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई क्वेरीज है कोई कमेंट्स है आप पूछना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम. आपको अगर मेरा चैनल्स पसंद आया तो आप इसे लाइक करिएगा शेयर करिएगा सब्सक्राइब करिएगा. और अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेरीज. आप अपनी क्वेरीज़ को excel2018@gmail.com पे मेल कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स आज का टॉपिक मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ. जय हिंद जय भारत.